25 तारीख को यहां पर मतलब 25 जुलाई को पटना के राजीव नगर थाने में एक कांड अंकित कराया गया। सुशांत जो अब हम लोगों के बीच में नहीं है, उनके पिताजी श्री के सिंह के द्वारा, वो केस नंबर है 241/20 अंडर सेक्शन 341, 342, 306, 380, 406, 420, 506 और 120 बी आईपीसी। ये इसमें 6 आदमी को अभियुक्त बनाया गया। ये घटना 25 को हुई। 27 को यहां से पुलिस की टीम, जिसमें 4 पुलिस ऑफिसर हैं, 2 इंस्पेक्टर रैंक के हैं और 2 सब इंस्पेक्टर रैंक के हैं, ये 4 अधिकारियों की टीम मुंबई रवाना हो गई। 27 को ही पहुंची 4 बजे, सीधे वहां से जहां सुशांत रहते थे उस अपार्टमेंट में, उस सोसाइटी में पहुंची 4:45 में। वहां उनका फ्लैट बंद था, लेकिन उस जगह का मुआयना किया जहां वो रहते थे। वहां से वो सीधे चली गई टीम एक जो प्राथमिकी के सबसे महत्वपूर्ण अभियुक्त कोई महिला है जिनका अभी नाम हमको नहीं याद आ रहा है, तो वो जहां रहती हैं जुहू में, वहां पर वो टीम चली गई, उस जगह का भी मुआयना बाहर से किया। फिर वो महेश सेठी जो हैं, वो सुशांत के मित्र हैं, 9 बजे रात को टीम वहां पहुंची। उनके पास बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन थे, उनसे बहुत पूछताछ करके जरूरी सूचनाएं एकत्रित की, जानकारी ली। उसके बाद उस दिन ये टीम का काम खत्म हो गया। 28 को टीम गई डीसीपी बांद्रा से मिली। बांद्रा के जो डीसीपी हैं अभिषेक जी, वो उनसे जाकर के टीम मिली, एफआईआर का उनको कॉपी दिया, डिस्कशन किया और उन्होंने एक टीम को सलाह दिया कि आप डीसीपी क्राइम से कल मिलिए। तो 29 तारीख को फिर ये टीम चली गई डीसीपी क्राइम के यहाँ मिलने। डीसीपी वो डिटेक्शन 1 अकबर पठान साहब है, तो जहां इनसे टीम मिलने के लिए सवेरे तो गई, लेकिन वो 2:30 तक वो ऑफिस नहीं आए और ऑफिस में कोई पदाधिकारी भी ऐसा नहीं था जिससे टीम के लोग कुछ बात कर पाते। तो करीब काफी लंबे समय तक 2:30 तक वेट करके ये टीम लौट गई, कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं हो पाई। तो फिर कल शाम को 31 को इसके बाद सीनियर एसपी से मैंने इसकी समीक्षा की थी। मैंने सीनियर एसपी से कहा था अपने काउंटर पार्ट से आप रिक्वेस्ट कीजिए। सीनियर एसपी साहब ने अपने काउंटर पार्ट से रिक्वेस्ट किया, तो कल डीसीपी से हमारी टीम की मुलाकात हुई, बहुत अच्छे से बात हुई और उन्होंने कोऑपरेट करने का आश्वासन भी दिया शाम को। और वहां से निकलने के बाद हुआ ऐसा कि मीडिया के काफी लोग बाहर जमा हो गए थे, तो मीडिया के लोगों से हमारी टीम के को बचाने के लिए उनको मुंबई पुलिस अपनी गाड़ी में बिठा करके ले गई और उनको सुरक्षित जहां उनको रुकना था वहां पहुंचा दिया। मैं इस घटना की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि पूरे देश भर में सोशल मीडिया पर और कई टेलीविजन पर भी ये अफवाह बहुत जोर से फैली कि मुंबई पुलिस ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया। तो दुर्व्यवहार वाली कोई बात नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि मुंबई पुलिस के लोग संभवतः नहीं चाहते थे कि हमारी टीम के लोग मीडिया के लोगों के साथ इंटरेक्शन करें, इसलिए हुआ ये। अब स्टेज ये है कि हम क्या चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि एफआईआर हुआ है, हमारी टीम गई है, तो हम ये चाहते हैं कि मेडिको लीगल एविडेंस कलेक्ट करने में हमारी टीम का सहयोग करे मुंबई पुलिस। जैसे ऑफिशियल रिपोर्ट हमको चाहिए पीओ का, जैसे इंक्वेस्ट रिपोर्ट चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, सीसीटीवी का फुटेज चाहिए पीओ का, माने घटनास्थल का, उसके आसपास के इलाके का, वीडियोग्राफी भी जरूर मुंबई पुलिस ने की होगी घटनास्थल का, तो भी देखना चाहेंगे हम लोग, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इस केस से रिलेटेड, इस इंसिडेंट से रिलेटेड, वो सबको हम देखना चाहेंगे, ये हमको चाहिए। और ये भी हम चाहेंगे कि मुंबई पुलिस ने किन किन लोगों को एग्जामिन किया है और क्या क्या इंफॉर्मेशन उनसे उनको मिला है, तो हमको इन्वेस्टिगेशन में सहूलियत होगी। और एक ये बात हो गई, इस बारे में हमारी सीनियर एसपी पटना से बात हुई है, उनका ये कहना है कि उनके टीम के लोगों को ये कहा गया है कि ये मामला चूंकि अभियुक्त पक्ष की तरफ से सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चला गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय के वर्डिक्ट आने के बाद ही संभवतः मुंबई पुलिस के लोग ये सारे देने वाले हैं, तो हम लोग भी अब उसका इंतजार कर रहे हैं।
और हम इस बीच में पूरी अपेक्षा रखते हैं, पूरी उम्मीद रखते हैं मुंबई पुलिस से। शुरू में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, सहयोग की कमी रही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अब कल की जो टीम के साथ मीटिंग हुई है उसके बाद मुंबई पुलिस का भरपूर हमको सहयोग मिलना चाहिए। हमारे टीम के लोग वहां टेम्पो में घूम रहे हैं, उनको गाड़ी उनको उपलब्ध कराएं, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए भी व्यवस्था करें, उनको अंगरक्षक भी दिए जाएं, उनको सेफ एकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाए और जरूरी सहयोग किया जाए। तो इसीलिए मुझे ये इतना ही बात आपको जानकारी देनी थी, क्योंकि बहुत सारे प्रेस के लोग फोन करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। तो अभी स्टेज ये है कि हमारी टीम वहां कैंप कर रही है, हम लोगों ने कई लोगों को एग्जामिन भी किया है। महेश सेठी का जो सुशांत के दोस्त थे, उनके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन हैं, तो उनको एग्जामिन किया, उनका स्टेटमेंट हमारी टीम ने लिया। सुशांत के पुराने एक कुक थे जो बहुत कुछ जानते हैं सुशांत के बारे में, अशोक नाम है उनका, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। सुशांत की बहन नीतू सिंह का स्टेटमेंट लिया उन लोगों ने। अंकिता लोखंडे मित्र थी बहुत सुशांत की पहले की, तो उनका भी स्टेटमेंट लिया गया। डॉक्टर चावड़ा साहब हैं जो सुशांत के इलाज करते थे, तो उनका भी स्टेटमेंट लिया गया। एक नीरज करके सुशांत के सुपर सुपर थे, उनका भी स्टेटमेंट लिया गया। आज और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। बैंक में जाकर के भी टीम ने वो पैसे की जो आरोप लगाया गया है, पैसे के लेन देन के बारे में, कि 17 करोड़ रुपये कहाँ गए, कैसे गए, किसने निकाला, कौन उनका इंटरनेट बैंकिंग देखता था, कौन उसको ऑपरेट करता था, किसके पास पासवर्ड थे, ये पैसे किस लाइबिलिटी के अगेंस्ट में भुगतान किए गए, इन सारे बिंदुओं पर हमारी टीम काम कर रही है। इतना ही सूचना आज के पीसी के माध्यम से दिया जाना था, ताकि लोगों को आश्वस्त हो, और इसके माध्यम से हम यहाँ के लोगों को जानकारी, जैसे बहुत देखे लड़के रोड पर निकले हुए हैं, जस्टिस वार सुशांत, मैं उन लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि बिहार पुलिस को मौका मिला, हम सत्य को किसी हालत में उद्घाटित करेंगे और इस रहस्य से पर्दा उठा करके रहेंगे। सच आएगा सामने, आप संयम बना कर रखें और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।